हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है रेलवे की तरफ से। रेलवे की तरफ से एक नोटिस आप कह सकते हैं जारी किया गया है, उसमें पांच बड़ी अपडेट है। यहाँ पर जितने भी एनटीपीसी ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आया है। आपको पता लगेगा कि कितनी वैकेंसी अभी तक जो है वैकेंट है, कितनी वैकेंसी पर पिछले दो तीन साल में जो है भर्ती हो चुकी है। पूरी डिटेल यहाँ पर ऑफिशियली जारी कर दी गई है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटे टाइम में आपको देने की कोशिश करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक के ऑफर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। फ्लैश सेल यहां पर चल रही है, 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। देखिए, यहां पर जो ईयरली इनका पास है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट लेना पसंद करते हैं, 399 का है, वो आपको 360 रुपए में मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर जाना है और EG10 कोड का यूज करना है इसको परचेज करते टाइम। सीधा सीधा आपको 39 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा और 399 वाला पास आपको 360 रुपए में मिल जाएगा। साथ ही देखिए, जो फ्लैश सेल है इसी में अगर आप इनका लाइफ टाइम वाला पास लेना चाहेंगे जो 699 का था, उसके बाद ये 599 का हुआ, लेकिन अभी ये आपको जो है 540 रुपए में मिल जाएगा। लिमिटेड पीरियड यानी कि 24 घंटे में अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपको 540 रुपए में मिल जाएगा। इसका भी सेम प्रोसेस है, लिंक पर क्लिक करके इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज करना है और 10% का डिस्काउंट यानी कि 59 रुपीज का ऑफ आपको मिल जाएगा और ये 540 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो दोनों में से जो भी पास आप लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जाके चेकआउट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, पहली अपडेट तो ये है कि यहाँ पर एक अमेंडमेंट नोटिस जारी किया गया है रेलवे की तरफ से। पांच पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए हैं। बिल्कुल आपको ये पढ़ के मैं नहीं सुनाने वाला हूँ, ना ही आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट करूंगा। बिल्कुल टू द पॉइंट आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बेसिकली यहाँ पर पांच पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, क्या क्या चेंज हुए या क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फ्यूचर की वैकेंसी में जो NTPC या फिर आगे ग्रुप डी की भर्ती होगी उसमें लागू होंगी। पहला पॉइंट समझिए, पहले पॉइंट में देखिए इन्होंने क्या कहा है। यहाँ पर सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने सुना था कुछ दिन पहले जो DV के लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट पहले बुलाए जाते थे उसको यहाँ पर खत्म किया गया था, यानी कि DV के लिए जितनी वैकेंसी है उतने स्टूडेंट को बुलाया जाना था। अब कुछ लोगों को यहां पर आपत्ति थी कि यहां पर जो है वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है उसको रखना चाहिए था, तो उसी के लिए रेलवे ने पहले पॉइंट में यहां पर क्या बोला है कि अगर यहां पर भर्ती के दौरान यानी कि डीवी के लिए जब हम स्टूडेंट को बुलाएंगे तो जितनी वैकेंसी होगी उतने ही स्टूडेंट को बुलाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर स्टूडेंट की जरूरत पड़ती है तो मेरिट को डाउन करके और हम वहां पर स्टूडेंट को बुलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो जारी रहेगी, लेकिन डायरेक्टली वो हटाई गई है। यानी कि जैसे पहले अगर 100 सीट थी तो उस पर जो है एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाता था, मान लीजिए वहां 5 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुलाया जाता था या 10 को, तो अब वो इस तरीके से नहीं बुलाएंगे। लेकिन अगर वहां पर स्टूडेंट जैसे 100 वैकेंसी पर अगर 90 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो 10 स्टूडेंट को फिर से बुलाया जाएगा, लेकिन पहले यानी कि स्टार्टिंग में नहीं बुलाया जाएगा। तो यहां पर एक आपके लिए अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं जिनके बाउंड्री मार्क्स होते हैं उनको यहां पर मौका मिलेगा। पहले पॉइंट में यह डिस्कस किया गया है। अब चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट को। देखिए, सेकंड पॉइंट का बेसिकली यहाँ पर मतलब क्या है। कुछ स्टूडेंट का ये कहना था या कुछ स्टूडेंट का ये मानना है कि जैसे आपका CBT 1 स्क्रीनिंग नेचर का रहता है तो वहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, तो उसी के लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो आपका CBT 1 है, CBT 1 आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग यानी कि आप कह सकते हैं स्क्रीनिंग नेचर का ही होता है, लेकिन उसी के मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन CBT 2 में होता है। ये इन्होंने यहाँ पर कहा है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो इस तरह से इन्हें यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। थर्ड पॉइंट समझिए, थर्ड पॉइंट में बेसिकली इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया और थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट यहां पर इंटररिलेट करते हैं। बेसिकली यहां पर इन्होंने यही बोला है कि यहां पर जो आपके स्टूडेंट बुलाए जाएंगे DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो इक्वल यानी कि जितनी आपकी सीट है या जितनी वैकेंसी है उसी के इक्वल बुलाए जाएंगे। और इसको फर्स्ट पॉइंट से कैसे रिलेट करेंगे कि इक्वल बुलाने के बाद अगर स्टूडेंट की कमी हो जाती है तो यहां पर मेरिट को डाउन करके एक्स्ट्रा स्टूडेंट को भी बुलाया जाएगा। ये तीन पॉइंट यहां पर इन्होंने डिस्कस किए हैं। अब चलिए फोर्थ पॉइंट समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। यहां पर आप दो यहां पर पैराग्राफ देख सकते हैं, ये पुराने वाले नोटिस का है, यानी कि पहले क्या रूल था अब क्या रूल है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं पहले क्या था। जैसे मान लीजिए आपने CBT 1 जो है यहां पर जैसे लिखा हुआ है, CBT 1 मान लीजिए आपने OBC कैटेगरी से क्लियर किया है, OBC कट ऑफ पर आपने क्लियर किया, लेकिन उसके बाद अगर DV के टाइम पर आप OBC का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते तो यहां पर CBT 2 में भी आपको यानी कि जो है OBC के ही कट ऑफ पर आपको देखा जाएगा कि अगर आपने CBT 2 में भी OBC का कट ऑफ क्लियर किया है तभी आपको फाइनल DV में सिलेक्शन मिलेगा। सिंपल सा कहना है कि अगर CBT 1 में आप यहां पर SC की सीट पर क्लियर करते हैं तो CBT 2 में भी आपको SC क्लियर करना पड़ेगा, अगर CBT 1 में आप जो है UR पर क्लियर करते हैं तो CBT 2 में भी आपको UR क्लियर करना पड़ेगा। यानी कि CBT 1 और CBT 2 में सेम रहना चाहिए, ये पहला रूल है। लेकिन अब चेंज करके इसमें क्या कर देगा, मान लीजिए CBT 1 आप क्लियर कर लेते हैं यहां पर OBC कैटेगरी पे, ठीक है ना, लेकिन किसी कारणवश आपके पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं है और CBT 2 आप UR की कट ऑफ पर क्लियर कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको CBT 2 के आधार पर UR में सिलेक्शन दे दिया जाएगा। जबकि पहले वाले में ये रूल नहीं था, पहले वाले में ये रूल था कि अगर आपने CBT 1 OBC पे सेलेक्ट किया है या OBC पे क्लियर किया है तो CBT 2 में भी आपको OBC पे ही देखा जाएगा, ये यहां पर रूल था पहले। तो इस रूल में चेंज किया गया है तो यहां पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जो स्टूडेंट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे उनको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट पॉइंट यहां पर है आपका EWS का सर्टिफिकेट को लेकर, जो आपके डाउट थे वो यहां पर सारे क्लियर कर दिए गए हैं।
है। एनी सच सर्टिफिकेट इशू इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन 2019 विल ऑल्सो बी कंसिडर एज वैलिड, यानी कि जो आपका EWS का जो सर्टिफिकेट है वो अगर आपने नोटिफिकेशन या फॉर्म भरने के बाद कभी आपके पास है तो फ्यूचर का भी आपके पास चलेगा, यानी कि अगर लेटेस्ट भी आपने बनवाया वो चलेगा। तो ये EWS का लेकर यहाँ पर जो सबसे बड़ा डाउट था वो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो ये तो बात हो गई अमेंडमेंट की। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 25/3/2022 यानी कि आज ही के दिन जो है यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है, रेलवे की प्रत्येक श्रेणी में स्वीकृत पद और रिक्त पद। यहाँ पर सवाल किए गए थे सुशील कुमार मोदी के द्वारा, रेल मंत्री जी से जो सवाल किए गए थे उसमें यहाँ पर आपको पूरा डाटा दिया गया। पहला सवाल था रेलवे की प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने स्वीकृत पद मौजूद हैं, तो पहला पॉइंट यही है कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर वैकेंट है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा डाटा रिलीज किया, राजपत्रित यानी कि जो गजेटेड होते हैं, अराजपत्रित यानी कि नॉन गजेटेड जिसमें आपके ग्रुप सी यानी कि NTPC वगैरह ये सब आते हैं, ग्रुप डी वगैरह, और यहाँ पर टोटल दिया गया है। तो कितने पद रिक्त हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राजपत्रित में अगर रिक्त पदों की बात करें तो 17,894 है, और अगर नॉन गजेटेड में यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर सभी की बात की जा रही है, सिर्फ रेलवे की यहाँ पर बात नहीं की जा रही, SSC वगैरह सारा इसमें इंक्लूड करके बताया है, 14,88,405 पद अभी यहाँ पर रिक्त हैं ओवरऑल आपके इंडिया में, और कुल यहाँ पर इन्होंने टोटल बताया है। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या था, दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में पूछा गया था आज की तारीख तक रेलवे के रिक्त पदों का जोन वार और श्रेणी वार ब्यौरा, यानी कि सिर्फ रेलवे की अगर बात करें तो कितने पद रिक्त हैं सभी जोन वाइज, तो यहां पर ये पूरी तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं। यहां पर भी इन्होंने बताया गजेटेड की अगर बात करें तो गजेटेड में कितने आपके टोटल, यहां पर नीचे आप देख सकते हैं 2519, और अगर नॉन गजेटेड देखा जाए जिसमें आपका NTPC ग्रुप डी वगैरह सब आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए 3,01,414 ये टोटल पद रिक्त हैं। अब इसमें आपका जो ग्रुप डी का फिलहाल चल रहा है 1,00,000 वाला वो भी इंक्लूड है, NTPC के जो 35,000 है वो भी इंक्लूड है, तो अगर उनको भी हम रिमूव कर दें तो तकरीबन 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख वैकेंसी वैकेंट है सिर्फ रेलवे में, पूरा डाटा यहां पर रिलीज किया गया है। तीसरा सवाल यहां पर पूछा गया था विगत 3 वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा की गई नई भर्ती का वर्ष ब्यौरा क्या है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर आपको पता ही होगा कि पिछले 3 साल में किस किस पोस्ट पर जो है भर्ती हुई है, तो यहां उन्होंने बताया है कि पिछले 3 वर्षों में जो है 2019 में जो है 16,891 पदों पर भर्ती हुई है, 2020 में इतने, 2021 में इतने, और कुल बात करें तो 1,48,000 पदों पर पिछले 3 साल में भर्ती हुई है। अगला सवाल यहां पर क्या था, चौथा सवाल देखिए विगत 3 वर्षों के दौरान कितने रेल कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं यानी कि कितने रिटायर हुए हैं, और वर्ष 2022 और 2023 में कितने रेल कर्मचारी होंगे। देखिए यहां पर यह डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अभी तक जो है कितने रिटायर हुए हैं और आपके 22-23 में कितने रिटायर होंगे, इसी से आपको पता लग जाएगा कितनी नई वैकेंसी आएंगी। देखिए 2019 में 62,000 के करीब जो है आपके रिटायर हुए हैं, 2020 में 65,000, 2021 में 56,000, 2022 में 41,000 के करीब आपके एम्प्लॉय रिटायर होंगे, 2023 में 36,561 अगर इसको जोड़ दें मोटा मोटा तो लगभग 80,000 के करीब तो आपके यही पद यहाँ पर वैकेंट हो जाएंगे फ्यूचर में। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ इलेक्शन के टाइम पर बहुत बड़ी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगी। अगला और लास्ट सवाल देखिए, क्या सरकार के पास नई भर्ती के माध्यम से संचित रिक्तियों को भरने की कोई योजना है, तो क्या योजना है यहाँ पर इन्होंने बताई है। तो योजना में अगर देखा जाए तो उन्होंने बोला है कि आपके जो है 35,000 NTPC पर अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसके अलावा यहाँ पर जो है 1,00,000 पदों पर ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो ये इन्होंने बोला है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपकी इलेक्शन है उसके टाइम पर भी आपको पोस्ट यहाँ पर भर भर के देखने को मिलेंगी। रेलवे में अगर बात करें तो बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी खाली है। तो ये पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, मैं आपको टेलीग्राम में भी दे दूंगा, आप उसको फिर से पढ़ पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।